एलओसी और पीओके से इंटेलिजेंस से एकदम लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिली है। पाकिस्तान आतंकियों के कई ग्रुप तैयार कर रहा है। इसके लिए पाकिस्तान के ट्रेनिंग कैंप कई क्लस्टर में एक्टिव है। रिपोर्ट है कि पाकिस्तान की सेना ने सभी लॉन्च पैड एलओसी के आसपास तैयार कर दिए हैं। न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक ये लॉन्च पैड एलओसी से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है, ताकि घुसपैठ में ज्यादा वक्त न लगे। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट यह है कि पीओके के नकियाल कैंप में एक सीक्रेट मीटिंग हुई। इस मीटिंग में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का मेजर हमजा शामिल हुआ। इस मीटिंग में कोटली कैंप से लश्कर का कमांडर वलीद खान भी मौजूद था, साथ में एक और आतंकी रफीक नाई उर्फ सुल्तान भी शामिल हुआ। मीटिंग में तय हुआ कि कश्मीर के अंदर आत्मघाती हमले किए जाएंगे, जबकि एलओसी के आसपास फॉरवर्ड पोस्ट पर बॉर्डर एक्शन टीम यानी बैट हमले करेगी। इसके लिए उन्हें चीन से मिले नाइट विजन गॉगल्स भी दिए जाएंगे। आतंकवादियों के ये क्लस्टर मंशेरा में है, मुजफ्फराबाद में है, कोटी में है और मुरीदके के साथ बहावलपुर में है। मंशेरा पाकिस्तान में है और यहाँ बालाकोट, कड़ी हबीबुल्ला और पतरासी में टेरर कैंप है। मुजफ्फराबाद पीओके में है और यहाँ चेलाबंदी, सवाई नाला, मुस्करा, अक्सा और दुलाई नाला में टेरर कैंप है। कोटली भी पीओके में है। गुलपुर, सेंसा, बराली और दुंगी में आतंकवादियों को ट्रेनिंग मिल रही है। अनंतनाग में हुए आतंकी हमले के पीछे उन्हीं आतंकियों का हाथ बताया गया है जो पुंछ में हुए हमले में शामिल थे। तब 5 सैनिकों की जान गई थी। आतंकियों के उसी मॉड्यूल ने अनंतनाग में हुए हमले को अंजाम दिया है। रिपोर्ट है कि इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन TRF ने ली है, यानी द रेजिस्टेंट फ्रंट। इसका ये ग्रुप 6 महीने से जम्मू कश्मीर में एक्टिव है, लेकिन नए अटैक में जो आतंकी शामिल रहे उनमें जैश से लेकर लश्कर और हिजबुल का कैडर एक्टिव रहा है। इसलिए अनंतनाग हमले की जिम्मेदारी लेकर TRF सुरक्षा बलों की आंखों में सिर्फ धूल झोंकना चाहता है, क्योंकि बैनर चाहे TRF का हो लेकिन इस आतंकी ग्रुप में जैश, लश्कर और हिजबुल के ही आतंकी शामिल हैं। बस अब हमलों को नया चेहरा देने की कोशिश है। इन सब की ट्रेनिंग पीओके में ही चल रही है और अब ये अलग अलग रूट से एलओसी को लंग कर भारत में आतंक फैलाना चाहते हैं। पुंछ राजौरी ऐसा एरिया है जहां पे हमने फॉरेन टेररिस्ट को लाइन ऑफ कंट्रोल पर ही खत्म करने की कोशिश की, परंतु इस एरिया में ऐसे भी है कि कुछ पंजाब या कुछ नेपाल और बाकी जगह से भी बाई रोड लोग आते हैं जो यहां पर कुछ ऐसी हरकत करना चाहते हैं। मुजफ्फराबाद से लेकर कोटली तक पाकिस्तान की सेना इस वक्त बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई है। उसका पूरा फोकस घुसपैठ कराने पर है।